वन प्लीज जॉइन अस अहम शर्मा. वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, अहम शर्मा इज प्रीटी पॉपुलर. ही इज द फेस ऑफ महाभारत एंड ही प्लेड द रोल ऑफ करण. Samiksha Bhatnagar over here, ladies and gentlemen. Can we have a huge round of applause for Samiksha Bhatnagar? Smriti Bhatija over here, please join us. Ashish Dikshit, can we have you with us? And the project designer who is also a great actor, Shiv Aryan on stage. And I would like to also introduce our concept by Sanjay Jain. Thank you so much, everybody. Mithilesh Tiwari. Can we have a huge round of applause for Mithilesh Tiwari? And ladies and gentlemen, last but not the least, can we have on stage here Amitabh Ranjan, everybody? And also Aryan Bajaj with us. सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Well, can we pass on? Before we go ahead for question and answer, I would request our director and writer to present token of appreciation to everybody. और सभी के लिए जिन्होंने भी मेहनत की है यहाँ पे पूरे ही फिल्म के कास्ट everyone, सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Our writer and director, he is going to present a token of appreciation to everybody. Can we have the bouquet over here, please? Yes. Can we have a huge round of applause for Rahul Dev, Padma Shri Kailash Kher, everybody, सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. जितने भी लोग हैं हमारे ऑडियंस हैं यहाँ पे जो एक्साइटेड हैं ट्रेलर देख के, तो ऑफ कोर्स हम सभी को बहुत मजा आया है. प्रॉपर बॉलीवुड तड़का जो होता है मूवी में वो पूरी दिखाई दी है हमें इस ट्रेलर में. Presented by Forever Big Entertainment, a seven-wing film production, Dhoop Chhaon, releasing in overall Mumbai across India more than 300 screen, ladies and gentlemen. 300 से भी ज़्यादा screen पर release किया जाएगा ये. And let me tell you date pretty soon. It's 4th of November. Director साहब से शुरुआत करते हैं. क्या कोई ऐसा शूटिंग एक्सपीरियंस रहा है इनमें से किसी के साथ जो पर्टिकुलरली आप शेयर करना चाहोगे? शूटिंग एक्सपीरियंस में जब भी मैं काम करता था बस ये लगता था कि और अच्छा हो सकता है, और अच्छा करूँगा. बट काम करने के बाद ऐसा लगता था हाँ नहीं ठीक है अच्छा हो गया. जब तक अच्छा नहीं होता तब तक मजा नहीं आता था करके काम, लेकिन सब अल्टीमेटली सब अच्छा होता था. रोज इतना एंथुसियास्टिकली अप्रोच करते हैं काम को, तो आई थिंक कोई भी जो नहीं हो, चाहे वो फिल्म चल जाए चाहे ना चले, चाहे मीडियोकर हो, आदमी को यही कोशिश करनी चाहिए कि भाई जो भी कैप्टन तो मेरा डायरेक्टर ही होता है हमेशा, यही रहे हैं हेमंत जी. तो जैसा जैसा ये कहते गए, जो इनकी विजन है, जो भी इनकी विजन होगी, उसको मुझे अपने बेस्ट वे में करना है. और यदि अगर वो कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा ये है कि इनकी विजन से थोड़ा और अच्छा हो जाता है, मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें, क्योंकि सरदार प्ले कर रहा था, तो एक मैं नॉर्थ से हूँ पंजाबी हूँ, तो मुझे लग रहा था कि इनके ना एक पगड़ी होती है पटियाला शाही, तो जो पगड़ी बांधने वाला था फॉर इंस्टेंस वो कुछ और बांधना चाह रहा था, मगर जिस तरह का वो दलजीत सिंह है रोबदार टाइप, तो उसमें हमने वो पगड़ी का इस्तेमाल किया. फॉर एग्जाम्पल इट्स ज़्यादा उसको आप नोट नहीं करेंगे एज ऑडियंसेस, बट एक ओवरऑल एक दाढ़ी रियल है उसमें चिपकाई नहीं हुई है. फिर मतलब छोटी छोटी चीज़ें, अभी ये कामयाब होगा या नहीं होगा वो एफर्ट वो मेरे हाथ में नहीं है, वो फिल्म है इवेंचुअली व्हाटएवर इट विल फाइंड इट्स ओन वाटरमार्क. सर के बारे में एक बात कर रहे थे कि सर से जब मिला तो सर से जब बातें की कहानी बताई, तो सर काम को लेकर इतने ईमानदार हैं, इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं कि मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला कि जो हम करना चाह रहे थे उसको और इन्होंने प्लस कर दिया सब चीज़ों से. जो इनका किरदार था जो हम बात कर रहे थे इनके डिटेलिंग से इनको लगता होगा
कि मैं कैसा फील करता हूं, बड़ा नहीं है बट ठीक है, लेकिन जो आपके लेकिन सर क्या होता है ना, अपीयरेंस बड़ा छोटा नहीं होता, अहम कितना आपका महत्वपूर्ण किरदार है वो होता है बड़ा, तो वो है। और सर ने इतनी छोटी 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 चीजों पर इतना ध्यान रखा, इवन जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक डायलॉग भी बोल रहे हैं उसमें कितना चीजें सारी चीजें, तो काफी एक प्लस मिला और काफी अच्छा लगा काम करके। वो सर की हम एक ही लाइन में समझ गए थे कि फॉर हिम डायरेक्टर इज अ कैप्टन, और वो जो चाहते हैं सर अपनी पूरी शिद्दत से उसे डिलीवर करना चाहते हैं, भले हजारों प्रोजेक्ट हो, कितने भी प्रोजेक्ट हो उनके हाथ में, जब वो जो प्रोजेक्ट उठाते हैं, प्रोजेक्ट नहीं है 2500 से अधिक थोड़ी फिल्में हुई हैं, हमारे सीनियर्स हैं 600 800 900 अभी तो बहुत काम करना है। क्या बात है, वेल नाउ वी विल ओपन क्वेश्चंस फ्लोर फॉर द मीडिया, अगर मीडिया के पास कोई क्वेश्चन है इनमें से किसी के लिए, प्लीज रेज योर हैंड और प्लीज स्टैंड अप एंड प्लीज आस्क द क्वेश्चंस, एनीबॉडी फ्रॉम द मीडिया। यस हेलो कैलाश सर, मेरा सवाल आपसे है, बहुत कम फिल्मों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं आप, ये फिल्म के साथ क्या रीजन था, और अगर थोड़ा सा बताएं म्यूजिक के बारे में। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ और इस फिल्म से जुड़े हुए हर मनुष्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया बदल रही है भैया, सोशल थ्रेड्स बदल रहे हैं, सोचने का तरीका बदल रहा है मनुष्य का, टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, फिल्मों का भी अब दायित्व बढ़ रहा है क्योंकि बहुत होशियार हो गए हैं फिल्म देखने वाले, तो अब जिम्मेदारी आ गई है कि आप ऐसे कूड़ा करकट पे पैसे मत लगाइए, कुछ ऐसा दीजिए जिसमें तथ्य हो, थोड़ा सत्य हो, और अपने कृत्यों से अपने सत्यों से मनुष्य जाना जाए। तो हम बहुत सारी फिल्मों के गाने गाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बहुत मेहनत करके ऊपर आए हैं और उनका सपना कोई एक ये फिल्म बनकर आ रही है, तो जब वो बताते हैं अपनी थोड़ी सी कहानी और फिल्म का बारे में, तो तब हम निर्णय लेते हैं कि हाँ गा देना चाहिए। और मुझे लगता है कि दुनिया में मनोरंजन तो है ये फिल्म दुनिया, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ एक सीख भी होती है। यदि आप पहली ही फिल्म देखें भारत की, तो पहली फिल्म भले वो ऐतिहासिक थी जो हरिश्चंद्र जी वाली थी, लेकिन उसमें भी एक सीख थी। अब सीख वाली फिल्में जब आती हैं तो हम बहुत एक्साइट होकर उसमें गाने गाते हैं, तो इसका भी एक गाना ऐसा ही है कि हौसलों को कभी भी हल्का पड़ने नहीं देना चाहिए, मनुष्य जो है विषमताओं से ही कुछ आगे बढ़ता है, वरना इजीली आपको अगर आसानी से मैं आज का आईफोन 13 या 14 जो भी है वो दे दूं, पकड़ा दूं आराम से, तो आप दो दिन में मान लीजिए घर पे जाके आपको आपका परिचित बता दे कोई कि नहीं आईफोन 15 तो अगले महीने आ रहा, तो आप धेले की वैल्यू नहीं करेंगे क्योंकि फ्री में मिल गया। लेकिन पापड़ बेल के यदि आप आईफोन 6 लें पापड़ बेल के, तो आप ऐसे संजो के रखेंगे कि ये मेरी मेहनत की कमाई से आया है, आईफोन 6 मेरे लिए लेटेस्ट फोन है। तो ये वाली अगर वैल्यूज भी ऐड करें हमारी आर्टिस्टिक एबिलिटीज, तो मुझे लगता है वो हमारा ज्यादा बड़ा कर्तव्य भी हो जाता है, इसलिए हमने ये गाया गाना। सर के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा, जब ये गाना का लिरिक्स लिखा गया और जब गाना हमने रीजन किया कि ये गाना का लिरिक्स ऐसा है और इसको कौन जस्टिफाई कर पाए और कैसे बात करें, तो बहुत ध्यान में एक ही बात होता है, कैलाश जैसे ऐसा कोई गा नहीं सकता इस गाने, और इससे ज्यादा इस गाने में आत्मा कोई डाल भी नहीं सकता है। क्या बात है। तो और ये अच्छा ही हुआ सर, मैं मतलब काफी मतलब फैन तो हुई आपका, लेकिन क्या जब गाना का एक लिरिक्स होता है ना, तो विजन में जब सोचते हैं कि मोटिवेशन और ये सारी चीजें जो इंसान के अंदर के जज्बातों को हौसलों को बढ़ा सके, तो आपसे सर बेहतर कोई कर नहीं सकता, इसलिए हमारा डे वन से वही था, मेजर डायरेक्टर अमिताभ रंजन भी यहाँ पर है, हम दोनों ने डिस्कस किया कि सर कैलाश जी से ही हम ये गाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हेमंत सर हमसे कहीं से कुछ चीजों को ले लें, या क्योंकि देखिए रियल स्टोरी होता है लगभग हर चीजों, कहीं ना कहीं से तो आपको मिलेगी, दुनिया की जितनी कहानियां हैं कहीं ना कहीं से अटैच होती है, लेकिन जब कहानी बताई गई, जब कहानी के ऊपर डिटेल किया गया, संजय जैन जी की स्टोरी थी उनको जब हमने सुना, तो उनको हमेशा यही ध्यान रखा कि ये कहीं से कुछ मैच नहीं हो, बट फिर भी मैच तो हो ही जाता है क्योंकि इतना काम होता है, कहानियां एक लिमिटेशन होता है, एक आपका विजन, और जहां तक फैमिली फिल्म है तो इमोशंस जो होते हैं ना वो बहुत ही फिक्स होते हैं, आप के जितने रिलेशन में इमोशंस है लगभग आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मैच करता मिलेगा, और आपको ये भी लगे आप
let's just begin. You're giving us a count or? No count, let's just start. Okay, everybody, ready with your cameras. Here we are, new posters. क्या बात है, कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. ये ओपन होगा, वो खुलने वाला है. ऊपर ही वीडियो के लिए फोटो के लिए होगा. हां हां, थोड़ा नीचे रखिए सर. राकेश भाई बरिनो को